हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन नोटिस ऑफ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। सो 2022 एंड 2023 सेशन के लिए एडमिशन आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हैं। सो वो सारे बच्चे जो कि यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेस एंड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं एंड जो यूपी से बिलोंग करते हैं या झांसी से बिलोंग करते हैं या फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। सो अगर आप फॉरेंसिक साइंस कोर्स करना चाहते हैं या फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपको फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज ऑफर करता है। ओके, सो अब हम नोटिस डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये नोटिस अवेलेबल है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। एंड ये जो आपको नोटिफिकेशन है ये मैं शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। सो अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो आपने ज्वाइन कर लेना है। एंड ये जो एडमिशन प्रोग्राम है, जो एडमिशन ब्रोशर है, जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है स्क्रीन पे, ये भी मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ आपको मिलेगी ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई कर दी गई है। ठीक है, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्लाईड ऑन द कोर्सेज एज पर द यूपी गवर्नमेंट ऑफर्स। ठीक है, ऑर्डर, सॉरी, सो यूपी गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ऑलरेडी अप्लाई कर दी गई है। सो दो कैटेगरी का एडमिशन यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट इज कैटेगरी ए, ठीक है, एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। सो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। ओके, एंड हियर वी हैव कैटेगरी बी। कैटेगरी में डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मेरिट। सो मेरिट के थ्रू आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम फाइट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। सो कैटेगरी ए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपको जानना क्या जरूरी है। ओके, सो एप्लीकेशन फीस है 1,100 रुपीज, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, एंड देन 550 रुपीज फॉर एसटी कैंडिडेट्स। ओके, अब अवेलेबल कब से हो गया है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो अवेलेबल हो गया है 10th अप्रैल से। यस, 10th अप्रैल से, हम मुझे काउंट करना पड़ा विच मंथ। सो 10th अप्रैल से आपको अवेलेबल हो चुका है। एंड लास्ट डे है 5th जुलाई। यस, 5th जुलाई, वेट, जून, इट्स जून। सो 5th जून तक लास्ट डेट आपकी है। ओके, सो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है, फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड फिलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स विद द लेट फीस इज 600 रुपीज़। अगर आपने ये डेट मिस कर दी, फॉर एग्जाम्पल 5th जून तक अभी अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया एंड देन फिर आपको याद आता है कि ओह माय गॉड हमने तो फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आप लेट फीस के साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं 10th जून तक। 600 रुपीज़ आपको लेट फीस देनी होगी एंड देन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस कब होगी, 26th जून को। सो जून में ही पेपर हो जाएगा, 26th जून को एंट्रेंस हो जाएगी। एंड एंड ऑफ द मंथ 30th जून को ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, सो ये सारे डेट्स क्लियर है। अब जो टेंटेटिव सेंटर्स हैं, आप कौन कौन से प्लेसेस पे दे सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो झांसी में दे सकते हैं, ग्वालियर में दे सकते हैं, लखनऊ, प्रयागराज, छतरपुर, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, सागर एंड गाजियाबाद। सो ये सारे के सारे जो लोकेशंस हैं, आप इन लोकेशंस पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जो आपके सबसे न्यूरेस्ट पॉसिबल लोकेशन है, आप वो चूज कर सकते हैं इन सभी सेंटर्स में से एंड यू कैन गो फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में एप्लीकेशन फॉर्म फी है 700 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 350 रुपीज़ फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। अब अवेलेबल कब हो गया फॉर्म, 10th अप्रैल से अवेलेबल है। एंड लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 20th जुलाई। ठीक है, सो 20 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। द कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर द डायरेक्ट एडमिशन कोर्स फ्रॉम 11th
अप्रैल ऑनवर्ड्स एंड शैल कॉन्टैक्ट ऑन द ईमेल आईडी ऑफिशियल ईमेल आईडी एंड ओके टू लॉक द सीट कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट 5,500 रुपीज़. ठीक है, अगर आपको अपनी सीट लॉक करनी है, एडमिशन सीट लॉक करनी है, तो आपको 5,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मेरिट. अब कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ये हम देख लेते हैं. सो कोर्सेज, हम साइंस की बात करें, सो बीएससी कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ कैंपस में अवेलेबल है. कैंपस में अवेलेबल है मतलब झांसी के कॉलेज में अवेलेबल है. होम साइंस, मैथ्स ग्रुप, पीसीबी, डीए बायो ग्रुप एंड सीबीजेड डीए. सो ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. ऑनर्स पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, बायोकेमिस्ट्री अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस. सो वो सारे बच्चे जिन्हें फॉरेंसिक साइंस पे एडमिशन लेना है, सो वो फॉरेंसिक साइंस पे भी एडमिशन ले सकते हैं. फॉरेंसिक साइंस अवेलेबल है. जियोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, मैथ, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेज, BCA एंड यस PCA, ये सारे साइंस के कोर्सेज हैं. ऑनर ऑनर्स के कोर्सेज. सो अगर आप यहाँ से फॉरेंसिक साइंस करेंगे तो यू विल बी फॉरेंसिक साइंस, यू विल हैव द कोर्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस ऑनर्स. ठीक है, अब यहाँ पे यू हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एज वेल. अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली है तो भी आप फॉरेंसिक साइंस में डिप्लोमा कर सकते हैं. दैट इज PGDFS, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा. FS मीन्स फॉरेंसिक साइंस. तो फॉरेंसिक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आप कर सकते हैं. एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं डाटा साइंस में. PG डिप्लोमा माइक्रोबायोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी में भी आप कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिल रहा है. MSc के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस. फॉरेंसिक साइंस में ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों ही कोर्स है भाई, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. तो वो सारे बच्चे जिन्हें यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है एंड फॉरेंसिक साइंस चाहिए, यू कैन अप्लाई हियर. वो सारे बच्चे जिन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लेना है एंड इफ दे वांट मास्टर्स, सो वो सारे बच्चे जिन्होंने अदर साइंसेज में भी अदर बायो के फील्ड में या मैथ्स के फील्ड में ग्रेजुएशन कर ली, तो आप मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में अप्लाई कर सकते हैं झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एज पर योर इंटरेस्ट एंड लाइक whatever criteria you set for your courses. So, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं. इन्वायरमेंटल साइंसेज, आयुर्वेदा, अल्टरनेट मेडिसिन, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन, होम साइंस, लाइफ साइंसेज, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स में यू हैव मास्टर का कोर्स. देन वी हैव एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर में यू हैव BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर. सो BSc में BSc एग्रीकल्चर है, मास्टर्स में यू हैव चॉइस ऑफ योर सब्जेक्ट कि एग्रोफॉरेस्ट्री में करना है, हॉर्टिकल्चर में करना है, प्लांट पैथोलॉजी में करना है, एंटोमोलॉजी में करना है, जेनेटिक्स में करना है. आप चूज कर सकते हैं योर प्रेफरेंस का सब्जेक्ट इन योर मास्टर्स. ठीक है, आर्ट्स में अगर हम देखें, सो यू हैव BA. ओके, BA भी आपको सिर्फ और सिर्फ कैंपस में मिलेगा. देन वी हैव मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ड्रॉइंग, पेंटिंग, हिंदी, सोशल वर्क, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड लाइब्रेरी साइंसेज भी अवेलेबल है. ये सारे के सारे कोर्सेज आर्ट्स के हैं. ओके, सो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, MA है हिंदी में, होम साइंस में, एजुकेशन, इंग्लिश, ड्राइंग, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म में, मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज भी अवेलेबल है. FMA अवेलेबल है, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन पेंटिंग एंड अप्लाइड आर्ट्स. MA है अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस बिजनेस MBA कर सकते हैं आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में विथ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स. आप MSW भी कर सकते हैं, दैट इज मास्टर ऑफ सोशल वर्क. सो ये आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. नेक्स्ट, मूविंग टू दी कॉमर्स. सो कॉमर्स में यू हैव MBA. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में यू हैव BBA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BBA टूरिज्म में एंड MCom फाइनेंस में, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं. आर्किटेक्चर में यू कैन गो फॉर BDES, दैट इज इंटीरियर डिज़ाइन. मेडिकल फैकल्टी या मेडिकल में यू हैव MPharm, DPharm, MPharm है फार्मास्यूटिक्स में, MPharm है फार्माकोग्नोसी में, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं एंड आप BPharm कर सकते हैं, BSc MSD कर सकते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ Science and Medical Laboratory Technology, which is approved by the UP government and Medical Faculty of UP.
देन एजुकेशन में आप बीएड कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं, लॉ में एलएलबी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं. सो ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू मेरिट में होगा. सो जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे वो अफिलिएटेड कॉलेज में होंगे एंड दिस इज अवेलेबल फॉर दी इट थ्रू दी स्टेट लेवल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, ओके. सो दिस इज अबाउट इट. यहाँ पे आपको टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, दैट इज आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, दैट इज बी फार्मेसी. ओके, सो यहाँ पे आपके बी फार्मेसी नहीं था, बट हियर यू हैव बी फार्मेसी कर सकते हैं. देन यू हैव एडमिशन ऑन 50% सीट थ्रू बीयू. ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से 50 सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी एंड दैट इज एमबीए बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, बीटेक, बीएचएमसीटी दैट इज बैचलर ऑफ मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी. सो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं. अगर आपको और डिटेल चाहिए सो यू कैन विजिट www.buJhansi.ac.in. सो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये नोट आपने पढ़ लेना है. ओके, सो द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स में ऑल्सो अप्लाई. सो अगर आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो भी अप्लाई कर सकते हो. सारे के सारे वो बच्चे जो अभी 12th के एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सेकेंड इज यूनिवर्सिटी रिजर्व ऑल द राइट्स रिगार्डिंग एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज. अलग अलग कोर्सेज के लिए सारे राइट रिजर्व हैं. यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट नॉट टू स्टार्ट एनी द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट नॉट टू स्टार्ट एनी कोर्स इफ एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एप्लीकेबल. अगर किसी ऐसा कोई कोर्स, ऐसा कोई छोटा मोटा कोर्स है जिसमें एप्लीकेशन ही सही से नहीं आया है, तो वो कोर्स नहीं चलेगा. यूनिवर्सिटी सर्व द राइट टू नॉट टू कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट ऑफ एनी कोर्स वेयर एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट अवेलेबल. एंट्रेंस नहीं ली जाएगी अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं रिसीव किए गए हैं. कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड प्रिंट आउट ऑफ अ फिल्ड फॉर्म ऑफ ई डी डी ए कोर्सेस ऑफ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी. आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट नहीं सेंड करने हैं कॉलेज को. ई डब्ल्यू एस रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर दी यूपी गवर्नमेंट नॉर्म. सो जो ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट या ई डब्ल्यू एस कैटेगरी है, इट विल कम अंडर द यूपी गवर्नमेंट. सो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उनके जैसे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही फैसिलिटीज दी जाएंगी. सीट लॉक करने की फीस है 5,000 रुपीज मैंडेटरी. एंड ओके, and all the candidates at the time of admission to all courses offered by BU in campus, it shall adjusted against the course fee and admission confirmation. So you can adjust it. So this is about your admission notice. And ये academic program से आप इसे देख सकते हैं कि कितने year का course है, कितनी fees होने वाली है. So I'll just डिस्कस द फीस ऑफ फॉरेंसिक साइंस, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस की फीस हम डिस्कस कर लेंगे. एनी वे आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू ऑल, सो आप ये चेक कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट कोर्सेज. फाइन, सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस. ओके, ऐसे तो जो फॉरेंसिक साइंस इट कम्स अंडर लाइफ साइंसेस, बट लेट्स जस्ट चेक इफ देर इज. ओके, सो एमएससी फॉरेंसिक साइंस, फाइन, वी गॉट इट. सो एमएससी फॉरेंसिक साइंस 40 सीट्स आर अवेलेबल, 2 साल का कोर्स है एंड यू हैव फी पर एनम. दिस इज पर एनम, पर सेमेस्टर मत समझ लेना. सो दिस इज पर एनम फीस 58,700 रुपीज. सो इसको अगर आपने दो सेमेस्टर में कर लेना है, सो एक साल में 2 सेमेस्टर आते हैं, 58,700 बाय 2 कर लो, यू विल गेट दी पर सेमेस्टर फीस. ओके, सो इफ आई कैलकुलेट फॉर यू ऑल, सो इट इज 58,700, सो इट इज लाइक 30,000 रुपीज, अराउंड 30,000 रुपीज पर सेमेस्टर यू विल गेट द फीस ऑफ एमएससी. बीएससी का फीस कम है. सो बीएससी ऑनर्स 3 साल का कोर्स है, ऑफ कोर्स 120 सीट्स आर अवेलेबल. सो काफ़ी सारी सीट्स है एंड देन आपकी जो फीस है इट इज़ 29,200 रुपीज. ठीक है, सो 15,000 के आसपास, 15 to 16,000 के आसपास यू विल गेट पर सेमेस्टर फीस.
ठीक है, देन वी हैव पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस. पीजी डिप्लोमा की जो फीस है वो वन ईयर की है 18,200 रुपीज़, सॉरी 18,000, यस 18,200 रुपीज़. एक साल का कोर्स है, 20 सीट्स ही हैं. ओके, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी बायो वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे, बीएससी फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चे जिनको 50% मार्क्स परसेंटेज में आए हैं वो एलिजिबल हैं. बीएससी ऑनर्स, सो 12th में अगर आपने बायो पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, सब चलेगी. मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए एंड यू आर एलिजिबल. ठीक है, डिप्लोमा के लिए क्या चाहिए? बीएससी पास होना चाहिए केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एलएलबी, बीए, सब चलेगा, और इक्विवेलेंट डिग्री विद 45% ऑफ मार्क्स. ठीक है, सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस PDF and you can check your course fee, duration and number of seats available. So I think I'm done with this information. If you have any doubt, any query regarding this and if you want to prepare for the examination, yes, theek hai, entrance exam ki thodi si baat kar lete hain. Iski information you'll get here. Theek hai? So jo entrance examination, it is conducted by the university and counseling fee is 250 rupees, a medical fee is 200 rupees and cultural activity 50. Ye sare ke sare, it will be charged additionally and iske alawa AKTU, Abdul Kalam Technical University entrance test ke basis pe bhi different technical studies mein admission honge and NATA ke through bhi, that is National Aptitude Test in Architecture which is approved by COA New Delhi. ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है. स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस भी कुछ सीट्स रिजर्व रहेंगी एंड देन एंट्रेंस टेस्ट भी होगा कॉलेज का पर्सनली. सो आई विल मेल द कॉलेज अकॉर्डिंग टू लाइक आई विल मेल द कॉलेज टू टेल अस अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. क्या पूछा जाएगा बीएससी एमएससी दोनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एंड देन आई विल लेट यू नो गाइस. ओके, सो फाइन. सो फार्मेसी के बच्चों के लिए अगर जी पैट क्वालिफाइड है सो उनको प्रेफरेंस मिलेगी एम फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. ओके, सो दिस इज इट एवरीवन. आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी एंड आप सभी की हेल्प होगी. यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स. जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी यू कैन मैसेज अस ऑन ऐप, यू कैन मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. सी यू, बाय.